हेलो दोस्तों, स्वागत है अगली वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, एक कंसिडर कर रहे हैं, आप एक न्यूक्लियर सिनेरियो का या एक सोलर सिनेरियो के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें एक ईएमपी एक ऐसा पार्ट है जिसके लिए आपको तैयारी करना काफ़ी ज़रूरी है। ईएमपी माने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स, रेडिएशन होती है जो कि अगर आपके डिवाइसेस तक पहुंच गई, आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं कि डिवाइसेस तक अगर आपको पहुंच गई तो वो डिवाइसेस को सिंपली ख़राब कर देती है वो, ठीक है। तो रेडिएशन जब आती है तो डिवाइसेस के अंदर सर्किट बोर्ड वगैरह में वो एकदम से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर देती है और बेसिकली वो सब खराब कर देती है, फ्राई कर देती है आपका सिस्टम। तो इससे बचाने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, आपको एक चाहिए होता है फेरेडे केज। तो फेरेडे केज एक सिस्टम होता है, एक क्लोजर होता है आपका, जिसके अंदर आप अपना सामान रखते हैं और सिंपली वो ईएमपी को अपने से पास थ्रू नहीं होने देता, वो सारा बाहर ही रोक देता है, ठीक है। तो आज मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि आप एक सिंपल फेरेडे केज कैसे बना सकते हैं, आपको क्या चूज़ करना है, कैसे बनाना है और उसमें क्या क्या रखना है। तो ये मेरा फेरेडे केज है, काफ़ी सिंपल एक बॉक्स है। तो जब वीडियोस वगैरह देखी मैंने इसके बारे में, पढ़ा फेरेडे केज के बारे में, तो कोई जाली का बना रहा है, ठीक है, लेकिन कोई डब्बे का बना रहा है, कोई डस्टबिन का, कोई एल्युमिनियम फोइल से रैप कर रहा है अपने सारी चीज़ों को, एल्युमिनियम फोइल से फिर टेप लगा रहा है, कोई लेड टेप से सीलिंग कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी मतलब वर्क करती हैं, लेकिन क्या है कि ये थोड़ी परमानेंट तरह से हो जाती है। मतलब आप अपने फ़ोन को एल्युमिनियम फोइल में लपेट के, ठीक है, ये आपका फ़ोन है, आप इसको एल्युमिनियम फोइल में लपेट के फिर आप इसको रख दोगे, तो फिर आप इसको डेली यूज़ कैसे करोगे, ठीक है। तो जो हमारा सॉल्यूशन होना चाहिए, जो भी हम कर रहे हैं, ठीक है, जो भी हम कंटेनर ले, जो भी हम सिस्टम बना रहे हैं, वो ऐसा होना चाहिए कि जब ज़रूरत पड़े तब तो काम करे, लेकिन साथ के साथ हम उसमें डेली लाइफ में भी उसको यूज़ कर सकें। तो कंटेनर मैंने लिया, तो कंटेनर के लिए मैंने ये सिलेंड्रिकल कंटेनर चूज़ करा, क्योंकि अब अगर आप बॉक्स टाइप लेंगे तो उसमें कॉर्नर्स वगैरह होते हैं जो जॉइंट होते हैं, तो वहाँ से लीकेज हो जाती है और वहाँ से पूरी सील नहीं बनती। तो बेसिकली रिक्वायरमेंट हमारी एक ही है कि प्रॉपर सील बननी चाहिए, ठीक है, कि कहीं से भी लीकेज होके ईएमपी आपके अंदर डिवाइसेस तक ना पहुंच पाए, ठीक है। तो ये मेरा कंटेनर है, ठीक है, ये मेरा ईएमपी है, ठीक है, और इसके अंदर मैं ये रखता हूँ, ये मेरी हार्ड ड्राइव, हार्ड डिस्क वगैरह है, ठीक है, ये पावर बैंक है और ये नीचे मेमोरी कार्ड वगैरह पड़े हैं, ठीक है, ओटीजी वगैरह। तो आप, अब मैं बताता हूँ आपको कि जैसे कंटेनर लिया, तो एक तो आपको उसके अंदर लाइनिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, कार्डबोर्ड की, क्योंकि आपका कोई भी इंस्ट्रूमेंट कुछ भी हो, वो आपका मेटल बॉडी को अगर टच होगा तो फिर वो ईएमपी उसके टच हो जाएगा, वो उतनी बढ़िया सील नहीं मिलेगी। तो एयर गैप होना चाहिए, या बॉडी को टच नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। तो आप सिंपली कोई भी कार्डबोर्ड लेके, ये जैसे अमेजोन का कार्डबोर्ड है जो डिलीवरी पैकेजेस वगैरह आते हैं, तो कार्डबोर्ड से चारों तरफ सील बना दिया है इसके, ठीक है, अंदर से कुछ कॉन्टैक्ट नहीं होता। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आप जैसे दुकान पे गए, आपने कोई डब्बा देखा, ठीक है, ऐसे डब्बे भी कई तरह के डब्बे हैं, तो फिर आप उसमें से चूज़ कैसे करेंगे, आपको कैसे पता लगेगा कि कौन से की सील सबसे बढ़िया है, कौन सा सबसे बढ़िया रेडिएशन को रोकेगा। तो उसमें क्या करते हैं, नेट वगैरह पे देखो तो कोई मीटर से चेक करते हैं, फिर हैम रेडियो से भी चेक करते हैं, लेकिन हर आदमी के पास, हर बंदे के पास उतना नहीं होते हैं इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, वो काफ़ी कॉमन चीज़ नहीं है, हर बंदे के पास नहीं होता है, तो वो बंदा कैसे करेगा चेक। तो उसका सोल्यूशन मैं बताता हूँ, आपको चाहिए दो फ़ोन चाहिए, ठीक है, और पहले फ़ोन में आपको क्या करना है, पहले फ़ोन में आपको ऑन कर देना है ब्लूटूथ, ठीक है। हम तीन चीज़ों को चेक करेंगे, ब्लूटूथ, वाईफाई, तो वाईफाई के लिए हम हॉटस्पॉट चेक करेंगे, हॉटस्पॉट को ऑन कर देंगे, और फिर इसका मोबाइल इंटरनेट। तो तीन तीन फ्रीक्वेंसी हमारी चेक हो जाएंगी, क्योंकि देखो ब्लूटूथ की फ्रीक्वेंसी वगैरह वो सब अलग होता है, वाईफाई का सब अलग होता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी वगैरह, और जो हमारा मोबाइल का इंटरनेट होता है, मोबाइल के सिग्नल्स उसका अलग होता है। तो तीन रेंज में हमारा चेक हो जाएगा, तो ब्रॉडली वो काफ़ी सेफ है अगर तीनों को ब्लॉक कर दिया तो। इसमें मैंने ये हेडफोन जोड़ रखा है, और इसको मैं आपको जोड़ के दिखाता हूँ, ये डिस्कनेक्ट हो गया,
ठीक है, तो ये कनेक्ट होएगा अभी। तो आपको आवाज आ गई, तो ब्लूटूथ हमारा कनेक्ट हो गया है, तो मतलब जब इसमें रखेंगे तो हमारा डिसकनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, वाईफाई के लिए, वाईफाई मैं आपको दिखाता हूँ। तो दूसरे फोन में वाईफाई इसका हमने कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, इसको बंद कर दिया, तो ये सेव्ड वाला था वो हमारा अभी चला जाएगा। और इसको ऑन कर दिया। तो ये कनेक्ट हो गया, तो हमारे दो चेक हो गए। तीसरा चेक हम इस पर कॉल करके देखेंगे। ठीक है, तो ये जस्ट अ सेकंड। ठीक है, तो कॉल भी आ गई हमारी। तो अब हम क्या करते हैं, हम इसको सिंपली इसको फ़ोन को इसमें रख के इसको बंद कर देते हैं। फ़ोन को हमने इसमें रख दिया बॉक्स में और इसको हम बंद कर देते हैं। और सारी चीज़ें आपके पास ही हैं, आप देख सकते हैं। तो इधर आप वाईफाई भी देख सकते हैं, इसको अच्छे से बंद कर दिया। तो वाईफाई के सिग्नल आपको शायद दिख रहे होंगे, ये वाईफाई के सिग्नल, वाईफाई के सिग्नल बिल्कुल कम हो गए। और ये थोड़ा पुराना मोबाइल है तो हैंग सा होता है, लेकिन अभी ये चला जाएगा सिग्नल। ठीक है, तो ये देखो वाईफाई हमारा बंद हो गया है। ठीक है, वाईफाई हमारा बंद हो गया है, ब्लूटूथ भी हमारा। ब्लूटूथ की भी आवाज़ आनी चाहिए डिसकनेक्ट होने का। चलो ब्लूटूथ जब तक आता है तब तक हम कॉल मिला के देखते हैं। ठीक है, तो अब देख सकते हैं कॉल। ठीक है, तो ब्लूटूथ भी हमारा डिसकनेक्ट हो गया है, ये देखिए पेयरिंग मोड में चला गया है। और फोन भी हमारा सिग्नल नहीं जा रहे हैं। तो अभी इसको खोलते हैं। तो इतना टाइट ढक्कन होने का फायदा भी और नुकसान भी है, ये देखिए अभी वाईफाई भी आ जाएगा अपने आप और ब्लूटूथ भी कनेक्ट हो जाएगा।
देखिए ऊपर वाईफाई भी आ गया है, ठीक है, और ब्लूटूथ शायद हमारा पेयरिंग में नहीं है स्लो, तो अपने आप मैनुअली पेयर करना पड़ेगा। लेकिन इन्हीं दो चीज़ों को हम बार बार देख लेते हैं। वाईफाई हमारा चला गया है, कॉल मिलाते हैं हम। ठीक है, तो कॉल भी नहीं मिल रही है, कॉल के भी सिग्नल चले गए हैं, वाईफाई हमारा फिर से सिंगल सिंगल स्ट्रेंथ है, शायद ये डिस्कनेक्ट नहीं हुआ होगा। जस्ट अ सेकेंड, कई बार सही से बंद नहीं आएगा तो फिर इशू आ सकता है। ठीक है, हम रिफ्रेश करते हैं इसको। वाईफाई भी हमारा चला गया है, सेट वाला, वो वैसे फ़ोन स्लो है तो इसलिए दिखाता है, तो वाईफाई भी हमारा चला गया, ढक्कन बंद कर दो। तो गाइस ये दो टेस्ट हैं, ठीक है, आप दुकान पे जाइए और कोई भी अपने लिए कंटेनर देखिए, और कंटेनर को आप ऐसे फ़ोन से चेक करिए, आप दो फ़ोन से चेक कर सकते हैं। मैं फिर से बता देता हूँ, ब्लूटूथ, हॉटस्पॉट और मोबाइल से कॉल करके, तो ये तीनों कनेक्शन अगर आपके टूट रहे हैं तो आपका फेराडे केज आपका काम करेगा। ठीक है, तो आप अपने लिए कोई ऐसा कंटेनर लीजिए और उसमें अपने सारे हार्ड ड्राइव, ठीक है, एक एक्स्ट्रा फ़ोन अगर आपके पास है तो, ठीक है, नहीं फ़ोन रख लीजिए, हार्ड ड्राइव, एक पावर बैंक रख लीजिए, पेन ड्राइव वगैरह, मेमोरी कार्ड वगैरह, एक्स्ट्रा बैटरीज, चार्जर्स, डाटा केबल्स, ये सब आप अपने फेराडे केज में रख लीजिए। तो हाँ, आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो आपको, आपको ये बनाना चाहिए और काफ़ी हेल्पफुल रहेगा अगर ऐसे कुछ सिनेरियोज आते हैं सोलर या न्यूक्लियर। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो, कोई सजेशन हो तो नीचे कमेंट्स में बताएं। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।